और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये नॉर्थ गोवा का रात का व्यू है और आप लोग देख सकते हैं, अभी तो मैं क्रिसमस के लाइन का एक ब्लॉग बहुत लेट से बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या मस्त सब कुछ सजा हुआ है एकदम। चारों तरफ आपको क्रिसमस का एक नेक्स्ट ही लेवल का वाइब्स मिलेगा। और यहाँ पर अभी मतलब तरह से बोलूँ तो एक अलग ही माहौल है, आपको लगेगा कि कहीं हम ये सब दिखाते देश विदेश में आ गए, भीड़ भाड़ बहुत तरह रेस्टोरेंट और कैफे से आपको आगे लाइट होगा। नॉर्थ गोवा तो ऐसे भी पार्टीज और क्लब के लिए फेमस है, तो आप लोग सब तरफ देख सकते हैं आपको भीड़ भाड़ मतलब इतना भीड़ है कि पार्किंग लगाने के लिए गाड़ी की जगह नहीं है। और इधर पूरे मतलब घर उड़ तो सब कुछ हो गया, मतलब थोड़ा महंगा है 9 दिसंबर में, लेकिन आना एक कंपलसरी है, तो दिसंबर में आने से जो वाइब्स मिलता है यहाँ का वो नेक्स्ट लेवल का है। तो आप लोग इधर एक बार जरूर से ज़रूर आए और देख सकते पूरे क्रिसमस का लाइटिंग सजा हुआ सारे तरफ। तो चलिए आपको गोवा का सैटरडे नाइट मार्केट दिखाते हैं। ये एवरी सैटरडे नाइट मार्केट लगता है और यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ते चीज़ मिल जाएंगे, कपड़ा एक्सेसरीज और बहुत कुछ भी मिलेंगे। तो कपड़ा अगर आपको लेना गोवा है तो वैसे भी कपड़ा है, गोवा का एक अलग ही टी शर्ट और शर्ट आपको अलग मिलेगा, गोवा वाइब टी शर्ट सब। तो आप यहाँ पर आएंगे तो मिनिमम आपको 50 से स्टार्ट हो जाते हैं शर्ट टी शर्ट सब, और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन रहते हैं ना कि आप मतलब कुछ कहना ही नहीं। आपको डिफरेंट टाइप के भी कुछ कुछ और भी मिलेंगे। कपड़ा के लिए आपको एक बार बेस्ट है कि कपड़ा और एक्सेसरीज लेना तो आप यहाँ ये मार्केट गोवा आए तो ये मार्केट ज़रूर आइए, क्योंकि आपको यहाँ जो मिलेगा वो पूरा गोवा में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर गोवा और महाराष्ट्र मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मार्केट लगाने। तो एक बार मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बार गोवा गए हों तो आप गोवा का सैटरडे नाइट मार्केट ज़रूर जाइए, और वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को और खाने पीने को भी, और वहाँ लाइव म्यूजिक कंसर्ट, मतलब आपका एक दिन तो ऐसा ही निकल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में ओनली 30 रुपीज़ टिकट लगता है, तो आपका मतलब एक तरह से बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और पार्किंग वर्किंग का भी बहुत कुछ व्यवस्था है, तो आप लोग एक बार मस्ट विजिट कीजिए। ऊपर कीजिए, जूम कीजिए, बस हो गया, छोड़ दीजिए, बंद कर। तो आज पूल का मज़ा लेने के लिए आ गया मैं पूल, क्योंकि पूल अभी पूरा खाली, आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम वैकेंट है। और आप लोग को कुछ कुछ व्यू सब भी दिखाऊंगा, वो सब प्लान चल रहा है, तो आपको पूल का मज़ा देता हूँ। इधर देख सकते हैं पूरा पूल खाली चुका है और जगह, तो आप लोग को दिखाता हूँ क्या सीन है क्या कैसे है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। पूरा इधर मेरा रिजॉर्ट है और ये पूल एरिया पूरा। तो फाइनली नहाना धोना हो गया स्विमिंग पूल पे, अब रूम की ओर चलता हूँ। तो बाय बाय पूल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलिए आपको पूल रूम की ओर ले चलता हूँ, ठंडे बहुत। ये देख सकते हैं ये हमारा रिजॉर्ट है पूरा, भींगे हुए थे जस्ट रिवर के साइड में ही है, एंजॉय लेते रहिए वाइब्स का पूरा दो रिवर साइड।
ठंड बहुत लग रही है एकदम। ये इधर हमारा रूम सब है। कुछ सीन ऐसा है, बहुत ठंड लग रही है, तो जल्दी से ड्रेसअप चेंज करता हूँ फिर मिलता हूँ। चलिए टिल देन ये देख सकते हैं, अभी मैं वहाँ था, आपको दिखा देता, मैं पुल पे नहा रहा था तो मैं यहाँ आ गया। तो चलिए फिर ये मैंने दूसरी स्कूटी लिया और यहाँ घूमने के लिए, तो ये कंडीशन सब चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा फोटोज और वीडियोस ले लेता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। अभी मैं साउथ गोवा की ओर निकल रहा हूँ और ये पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये पुल बन जाने के बाद थोड़ा डिस्टेंस और शॉर्ट हो जाएगा और टाइम कम लगेगा, और मतलब ये अभी तो पूरा धूप वाला सीज़न है, क्योंकि को भी पता है, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरा गर्मी वाला वेदर है, तो आप 3 मिनट करना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और अच्छा लगा, नॉर्थ गोवा भी अच्छा लगा, पार्टीज वर्टीज जिसको क्लब लोग पसंद है वो नॉर्थ गोवा कर सकता है, जिसको पीस और सब पसंद है वो साउथ गोवा, तो साउथ गोवा में आपको पीस मिलेगा और कैंडी नाइटीन हर एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ रिजॉर्ट और बीच सब हैं जो आपको मतलब पीसफुल, सब कोई आते हैं तो नॉर्थ गोवा से ही घूम के चल जाते हैं। मेरा रहेगा कि एक बार साउथ गोवा ज़रूर आए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मैं स्कूटी लिया हूँ, स्कूटी से ही साउथ गोवा जा रहा हूँ, क्योंकि आपको स्कूटी यहाँ पर रेंट 400-500 में मिल जाएंगे, और आप पेट्रोल भराइए और चलाइए, और आप टैक्सी वैक्सी या बस उस करेंगे तो आपको बहुत लगेगा। हमारा लगेज भी कम था तो हमने स्कूटी प्रेफर किया, और यहाँ लाइसेंस उसन सबको रखिएगा, क्योंकि सबको यहाँ चेक करते हैं। और ये बीच में देख सकते हैं ये पूल कितना सुंदर है, और यहाँ चारों तरफ रिजॉर्ट, ये आपको घूमते फिरते रात बहुत हो गया था तो मैं आके सो गया, और अभी मॉर्निंग हुआ, जस्ट 4 बज रहा है, और ये देख सकते हैं। तो आपको अब आज साउथ गोवा का एक्सपीरियंस कराता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टिल देन बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब्स टू माय चैनल, तो बाय बाय।